तो सेबी के आईपीओ से रिलेटेड न्यू रूल्स आए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, कि सीलिंग प्राइस होना चाहिए एटलीस्ट 105% ऑफ फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस 105% होना चाहिए। जैसे बोलते थे 600 और 620, पहले विंडो पीरियड बहुत कम थी तो सही से डिसाइड नहीं कर पाते थे। कम से कम 1.105% होना चाहिए फ्लोर प्राइस का, सीलिंग प्राइस। देन यहाँ पे बोल रहा है कंपनीज अपना जो भी है 35% ऑफ मनी से ज़्यादा आप किसी और चीज़ में नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ अगर कलेक्ट हुए आईपीओ से, तो 35 से ज़्यादा रुपए आप दूसरी चीज़ों में नहीं लगा सकते, जैसे अदर बिजनेस को परचेज करने में, ठीक है। जब तक सफिशिएंट डिटेल्स ना हो, दे रखी हो पहले से ही, तो 35% से ज़्यादा मनी आप नहीं लगा सकते। फिर प्रमोटर, ठीक है, जिनका स्टेक 20% है, वो आईपीओ में अपना हाफ से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। सपोज किसी प्रमोटर का 20% से ज़्यादा, सपोज 30% शेयर हो, तो आईपीओ में अपना 15% से ज़्यादा नहीं बेच सकते कोई भी प्रमोटर। प्रमोटर जो वो सच रियली में वो जो चीज़ आइडिया लेके आता है, जो चीज़ आगे बढ़ाता है, वही होता है प्रमोटर। तो उसका जो अगर स्टेक 20% से ज़्यादा है, तो 20% तक है, तो वो अपना हाफ से ज़्यादा नहीं बेच सकता। ये बोला गया है एंकर्स विल नॉट बी एबल टू सेल मोर देन हाफ ऑफ इट्स शेयर बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आईपीओ। आईपीओ के 90 डेज तक जो अपना एंकर इन्वेस्टर है वो अपना शेयर नहीं बेच सकते। अभी क्या है, 30 दिन तक नहीं बेच सकते, अब 90 डेज तक नहीं बेच सकते एंकर इन्वेस्टर अपना शेयर। तो ये सेबी के नए रूल है रिलेटेड टू आईपीओ। सो वी कैन रिमेंबर यार, 105% मतलब जो वे फ्लोर लिमिट और वेज लिमिट, जो फ्लोर प्राइस है और सीलिंग प्राइस है, उसको भी 105% होना चाहिए। सीलिंग प्राइस शुड भी 105% ऑफ फ्लोर प्राइस। देन 35% मनी से ज़्यादा आप दूसरे कामों में नहीं लगा सकते। फिर 20% जो भी प्रमोटर का है, जहाँ पे 20% तक स्टेक है, वो अपने हाफ से ज़्यादा स्टेक नहीं बेच सकता। और अभी क्या होता था, एंकर इन्वेस्टर 30 दिन तक अपना नहीं बेच सकता है, अब 90 डेज तक एंकर इन्वेस्टर अपने हाफ ऑफ द शेयर से ज़्यादा नहीं बेच सकता। हाँ मतलब कुछ बेच सकता है, लेकिन अपने शेयर अगर हाफ 50% से ज़्यादा नहीं बेच सकता, मतलब 50% तक बेच सकता है, 50% से ज़्यादा तक नहीं बेच सकता 90 दिन तक एंकर इन्वेस्टर।